इस वार्ता में आने के लिए तमाम पत्रकार साथियों का धन्यवाद करता हूं। भागलपुर का इस बार का कार्यक्रम, अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ता है कि एक बहुत ही दुखद और हृदय विदारक घटना को लेकर हम लोग को इस बार यहां पर आना पड़ा। जैसा कि आप सब जानते हैं कि पिछली 3 मार्च को जिस तरीके से भागलपुर में ये घटना घटी, एक ब्लास्ट हुआ और उस ब्लास्ट में लगभग 15 लोगों का की दुखद मृत्यु हुई, कई लोग उसमें घायल हुए। सबसे पहले मैं अपनी तरफ से, अपनी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की तरफ से तमाम मृतकों के प्रति अपनी संवेदना, अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और जितने घायल हैं उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूँ। पर साथ ही में ये प्रश्न भी उठाता हूँ और ये सवाल पूछता हूँ, सबसे पहले तो सीधा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से ही, कि भाई प्रदेश की इतनी बड़ी घटना जिसमें एक साथ 15 लोगों की दुखद मृत्यु हो जाती है, उस पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की खामोशी, उनका नहीं आना, क्या ये ऐसे अपराधियों को संरक्षण नहीं देता है जो इस धंधे में या इस तरीके की आपराधिक गतिविधियों में लिप्त हैं? और जब मैं लिप्त में आपराधिक गतिविधियों में लिप्त असामाजिक तत्वों का जब मैं जिक्र करता हूं, तो उसमें ना सिर्फ मैं उन लोगों को दोषी मानता हूं जिनकी वजह से ये घटना घटी, बल्कि उन लोगों को भी मैं दोषी मानता हूं जिनके संरक्षण में ये घटना घटी। एक ऐसा स्थान जहां से दो दो थाने महज 200 मीटर 300 मीटर के रेडियस में हैं, ठीक उसके मध्य में इतनी बड़ी घटना घटती है और एक लंबे समय से एक अवैध कारोबार वहां पर चल रहा है, संभव ही नहीं है कि उसमें प्रशासन का संरक्षण उन लोगों को प्राप्त नहीं हो। इससे पूर्व में भी लगभग 20 साल पहले 2002 में भी उसी स्थान पर ऐसी ही घटना घटी थी। 2002 में 4 लोगों की वहां पर मृत्यु हुई थी। 2002 से लेकर अभी तक बताएं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, और मैं मुख्यमंत्री जी को गृह मंत्री कहकर संबोधित करूंगा क्योंकि प्रदेश के गृह मंत्री भी वही हैं, बताएं कि 2002 से लेकर अभी तक उन्होंने क्या कदम उठाए। भाई बार बार वो 15 साल पहले का हवाला देते हैं ना मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, कि जाओ जाकर 15 साल पहले देखो, पूछो अपने बाप दादा से कि 15 साल पहले का बिहार कैसा था, यही बोलते हैं ना वो हर मन से। तो भैया 15 साल पहले तो ऐसे विस्फोट में 4 लोग मरे थे और आज जब 2002 के बाद जब इस घटना की पुनरावृत्ति हुई है तो उसमें 15 लोग मरे हैं, तो क्या 15 साल पहले का बिहार ज्यादा बुरा था कि अब का बिहार ज्यादा बुरा हुआ? तथ्यों के साथ सामने है भैया, आप बताएं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। और उसके बाद जिन अधिकारियों को आप संरक्षण देते हैं, किसी एक बड़े अधिकारी पर भाई दो दो थाना लगता है, DSP वहीं पे रहते हैं, उसके बाद आप सोचते हैं कि किसी एक थाना प्रभारी को बर्खास्त कर आप अपनी जिम्मेदारी को आप पूरा कर लेंगे। यही उदाहरण बनते हैं भविष्य में दोबारा ऐसी घटनाओं के घटने के, क्योंकि कोई बड़ी कार्रवाई नहीं होती है, बड़े लोगों की गिरफ्तारी नहीं होती है, सबसे पहले तो जवाबदेही तय करें कि भाई पिछले 20 साल से उसी जगह पे ये कारोबार चल कैसे रहा था, एक रिहायशी इलाके में अनऑथोराइज तरीके से अगर वहां पे चल रहा है तो मतलब कहीं ना कहीं घूसखोरी, भ्रष्टाचार, जीरो टॉलरेंस बोलते हैं ना मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी करप्शन के प्रति, अगर भ्रष्टाचार नहीं था तो कैसे ये कारोबार चल रहा था।